हे हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। सो काफी लंबे समय के बाद हम चैनल पे अपने वापस आ चुके हैं, और अब जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आएंगी, डेली की वीडियोस अपलोड होंगी और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। इतने टाइम से मैं कहीं और बिजी था, कुछ और काम में बिजी था, तो अब जाके मैं फ्री हूँ। और अब हम अपना यूट्यूब चैनल और जो बग बाउंटी का जो हमारा करियर था, जो हमारी जर्नी थी, उसको अब हम दोबारा से बिगिन करते हैं। तो ये अपना YouTube चैनल है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैंने कई सारी प्लेलिस्ट वीडियोस अपलोड करी हुई है आपके बग बाउंटी करियर को और बग बाउंटी का जो भी आप करते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। अपना ट्विटर अकाउंट है, इसको फॉलो कर लीजिए। ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, देन अब आप मेरे को एकदम फ्री होकर मैसेज कर सकते हैं। मैं फ्री हूँ बिल्कुल, और अब मैं रिप्लाई आपके सबके करूँगा। ओके, सो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसके अंदर हम बात करने वाले हैं पांच एक्सटेंशंस के बारे में, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं बग बाउंटी जब आप करते हैं या फिर करेंगे उसमें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, वैसे मैं बता दूं, ये एक हमारी पबजी जो है गेम डाउनलोड हो रही है। अगर कोई भी आप में से पबजी खेलता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम में, या फिर बेटर रहेगा कमेंट सेक्शन में, या आप मेरे को अपना यूजर नेम जो है वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। साथ में मिलके पबजी खेलेंगे फ्री टाइम में, और बाकी टाइम में बग बाउंटी तो करनी ही करनी है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेपलाइजर की। वेपलाइजर, ये जैसे कि आप देख सकते हो मैंने भी यहाँ पे इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, काफी यूजफुल एक्सटेंशन है ये। आपको वेबसाइट के बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लाइक यहाँ पे ई कॉमर्स कौन सा है, सीडीएन क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, सर्वर क्या यूज़ कर रहे हैं, फ़ॉन्ट टाइप एंड एक्सेट्रा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी ये यहाँ पे सर्च किया वेबलाइजर, और ये गूगल का जो बता रहा है मेरे को, गूगल एनालिसिस, गूगल एड कन्वर्सेशन, वेब सर्वर में गूगल वेब सर्वर, वीडियो प्लेयर में यूट्यूब। तो इस तरीके की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है, और आपको पता होगा कि बग बाउंटी के अंदर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहला है वेपलाइजर है। इन सभी को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, एफिलेट वगैरह मार्केट, एफिलेट मार्केटिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे एक्सटेंशन एकदम फ्री मिलने वाले हैं आप। चलिए सेकेंड हम बात करते हैं फॉक्सी प्रॉक्सी की। तो देखिए फॉक्सी प्रॉक्सी जो है ये हमें बर्ब सुइट एंड हमारा जो क्रोम ब्राउजर या फिर मोजिला ब्राउजर है उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, तो ये भी काफी यूजफुल है। आप ऐसे कर सकते हैं विदाउट इस एक्सटेंशन के भी कर सकते हैं, बट उसके अंदर काफी लंबा प्रोसेस है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए फॉक्सी प्रॉक्सी इंस्टॉल करने के बाद कई सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो बर्ब सुइट के साथ जब हमने कनेक्ट करके रखा होता है तो वो लोड नहीं लेती है, या फिर क्लाउड फेयर का एरर आ जाता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डिसेबल प्रॉक्सी कर सकते हैं, वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद हम रीलोड कर सकते हैं, एंड एक्सेट्रा काफी सारे कामों में यूज हुए। ओके, सो अब हम एक और की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हैक बार की। हैक बार आप में से कई सारे लोगों ने यूज भी किया होगा, और जिन्होंने नहीं यूज किया है उनको मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। हैक बार ये एक एक्सटेंशन है, इसके अंदर आपको काफ़ी एडवांटेज मिल जाती है आपके पेलोड्स को इंजेक्ट करने में, पेलोड्स क्रिएट करने के लिए, एसक्यूएल इंजेक्शन के पेलोड एंड एक्सएसएस के एंड काफ़ी तरीके के आप इसके अंदर पेलोड जनरेट कर सकते हैं, और इसका काफ़ी यूज है। अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बना देंगे कि आप हैक बार से क्या क्या कर सकते हो अपनी बग बाउंटी के अंदर, या बग बाउंटी करते हैं क्या। ये हो गए हमारे तीन एक्सटेंशन हो गए। अब हम चौथे के बारे में बात करते हैं, कुकी एडिटर। कुकी एडिटर जो है ये देखिए क्रोम के लिए भी हैगा और फायरफॉक्स के लिए भी है। अगर आप कुकी एडिटर की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हम कुकीज को एडिट कर सकते हैं। ये काफी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के टाइम पे आता है, लाइक कई बार हमें जब एडमिन का एक्सेस लेना होता है ये तब भी कुछ तरीकों में काम आ जाता है। इसके बारे में अभी हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते, मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं समझा सकता, इसके ऊपर कभी हम प्रैक्टिकल या फिर लाइव वीडियो करेंगे, देन उसमें मैं आपको समझाऊंगा, और फिर आपको पता भी होगा कि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लिमिटेशन है।
हैकिंग के बारे में या फिर बग बाउंटी का, लाइक ये हैकिंग में ही चला जाता है अगर ज़्यादा कुछ हम इसके अंदर डिटेल में जाते हैं वेबसाइट के बारे में। तो कुकी एडिटर है, आपने यूज़ किया होगा। सिंपली मैं इसको भी आपको बता देता हूँ नॉर्मली यूज़ किया है कि आप इसमें किसी और की कुकी, लाइक एडमिन, लाइक हमारे पास मान लीजिए दो अकाउंट है, एक एडमिन का एक नॉर्मल यूज़र का है, तो हम एडमिन की कुकीज़ उठा के नॉर्मल यूज़र के इधर पेस्ट करके काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। लाइक पर आपने किया होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो इसके बारे में भी एक बार डिटेल वीडियो बना लेंगे। ओके सो अब हमारा चौथा आता है यूजर एजेंट स्विचर। यूजर एजेंट स्विचर आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये आपको क्या काम करके देगा, ये आपके यूजर एजेंट्स को जो है वो स्विच करेगा, ये भी आपको वल्नरेबिलिटीज फाउंड करने के टाइम पे काम आएगा और काफी ज्यादा काम आएगा। लाइक कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं उनमें लाइक यूजर एजेंट जो यूज करते हैं उसके बेस पे भी काफी टाइम पे जब हम रेट लिमिट का इशू फाइंड करते हैं तो वो उसके बेस पे भी उसको ब्लॉक करते हैं, और काफी अदर वर्क में भी, लाइक अदर सिचुएशंस में भी ये काफी काम आता है। अब एक बार इनको इंस्टॉल करिए, इन पांचों टूल्स को इनका यूज करिए। ये वीडियो थोड़ी छोटी रखनी है क्योंकि एक फिर ज्यादा लंबी वीडियो जाती है तो व्यूवर्स को जो है वो देखने में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता है। सो ये अभी मैंने आपको पांचों के नाम बता दिया, आप इन्हें यूज करिए, उसके बाद फिर हम इनकी एक एक करके इनके सबके बारे में डिटेल्स वीडियो बनाते हैं। वीडियो सारी छोटी रखेंगे ताकि आप भी बोर ना हो इनको देखने में और आपको भी थोड़ा सा मजा आए। ठीक है, सो इसी के साथ चलते हैं और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।